बॉय बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज जरा संडे है, दोस्तों की तरफ जाना है, जरा देखते हैं आज क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं इस ब्लॉग में। और आज वर्ल्ड कप भी है तो उसके बारे में भी देखेंगे और एक अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, तो अभी जाके देखते हैं क्या होता है, किस तरह का मैच का सीन होता है। दोस्तों से भी मिलते हैं, जरा उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ब्लॉग में। और इंशाल्लाह देखते हैं पाकिस्तान जीतता है कि हारता है, क्या होता है, वर्ल्ड कप इस साल पाकिस्तान के पास आता है या नहीं आता। होपफुली आ तो जाना चाहिए, जिस तरह की टीमिंग है हमारी और जिस तरह की हमारा अभी तक मैच में जो परफॉर्मेंस है, तो वो देखते हैं। उसके अलावा आपको नए लोगों से ज़रा इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आज देखते हैं आज के दिन में क्या अमेजिंग हम कर सकते हैं। रेडी फॉर द राइड है, निकलने की तैयारियों में निकलते हैं अब बस। हाँ भाई रेडी हैं? राइड किधर की है? राइड है शाह फैसल कॉलोनी की। शाह फैसल चलते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, देखते हैं मामला कैसे चलते हैं। चले निकलते हैं अभी दोस्त की तरफ अपने। हाँ भाई चले, तैयार हैं? हेलमेट पहने, सेफ्टी फर्स्ट, हेलमेट पहने। हाँ भाई कहाँ कहाँ रह गए थे ब्रो? क्या सीन है मैच का? सीन ऑफ है। क्यों भाई, क्यों ऑफ है? क्या मतलब स्क्रीन नहीं मिली माल भाई? आपने क्या, ये तो आपने कल बोला था स्क्रीन मिल जाएगी। जोहर में मिलेगी यार, मैंने सुना है इकरा में भी लगी हुई है। अरमान भाई आप किस बात का सुन रहे हैं? है आपका कहना है मामला खाली पड़ा हुआ है कोचिंग, यही आप क्या चाह रहे हो? कोचिंग खाली है, रौनक भाई है ना। आप कहाँ थे इतनी देर से, इतनी देर में क्यों आए हैं? नमाज नहीं, नमाज से पहले कहाँ थे? हैं तो भाई दोस्त की बाइक में पेट्रोल खत्म हो तो आप कहाँ थे? आप तो अपनी बाइक पे आए हो, हैं? क्या हेल्प कर रहे थे? है मंडे, संडे है, मनु साधनी मैच है आज। लाए तो कुछ कहा था ना। हाँ भाई स्क्रीनिंग पे पहुंच जाओ, बस स्क्रीनिंग पे चलो चलो।
पाकिस्तान मैच हार गया, आप कैसा फील कर रहे हो? देख लो। बंद कर। नहीं नहीं कैसा फील कर रहे, सही बात, क्या हो गया यार? इंडिया की तरह नहीं हारे हम, अबे इंडिया वाले को देखे थे, बैठे भी थे। इंडिया की तरह थोड़ी हारे, इंडिया वाले मौजूद थे भाई, ऑब्वियस है। सिल्वर लेके जाएंगे, सिल्वर जाओ या गोल्डन जाओ, वो फर्क नहीं पड़ता, डायमंड जाओ कहीं भी जाओ, डिपेंड ये कर रहा है अभी फिलहाल के क्या तासुरात हैं। तासुरात कैसे हैं? सही है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। बस क्या, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हाँ भाई माज भाई, मैच कैसा रहा? मैच यार बस अच्छा ही रहा। अच्छा था। और अरमान भाई आपके क्या आसार हैं? क्यों बाबर ने यार कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया और आखिर में कोहिनूर की धमकी देकर ट्रॉफी ले गए हमसे यार, ये चीटिंग हुई हमारे साथ। हाँ वाजिब भाई आप इधर आओ। हाँ भाई कैसा रहा था मैच कैसा रहा है? बहुत आला, मतलब टक्कर दी है, पांच बंदे हैं, पांचों की राय मुख्तलिफ है, ये क्यों? हम अलग देख रहे थे इसलिए। तुम अलग देख रहे थे इसलिए, तुम जहाँ देख रहे थे वहाँ मैच अच्छा था, वहाँ ज़्यादा अच्छा था, वहाँ बेहतरी थी, वहाँ बहुत बेहतरी थी, वहाँ बाउंड्री बड़ी नज़र आ रही थी। अच्छा वो कमेंट्री के साथ, अच्छा मैच कैसा रहा? और बताऊँ तो मुझे मैच इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। टफ टीम थी सामने इसलिए टफ कंपटीशन रहा, एंड तक गेम फंसा के रखा जो कि बहुत अमेजिंग पॉइंट था। और जिस जगह मैंने मैच देखा उसमें भी एक बंडी आया पहले कि शुरू में आते आते हमें स्क्रीनिंग नहीं मिली, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जो जो हुआ जैसे जैसे हुआ, जो चीज़ जहाँ मुमकिन थी वहाँ वैसे हुई, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक इन्जॉयबल एक्सपीरियंस था। और आई होप के आगे वाले आने वाले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, इस मैच में भी पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। और गेम है, हार जीत लगी रहती है, इट वॉज अ टफ मैच, टफ कॉम्पिटिशन दिया और अच्छा मैच।